नमस्कार पेप्टिटाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के आगर और जौरा में होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता अब मैदान में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आगर क्षेत्र का दौरा किया और यहाँ चुनावी तैयारियों पर भी वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगर में होने वाला उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस सरकार के एक साल के कामकाज को इस चुनाव के दौरान जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लगभग 75% अपने वादों को निभाया है, जिसको लेकर जनता उन्हें इस चुनाव में अपना आशीर्वाद देगी। पूरी ताकत से चुनाव हर हालत में हमारे कार्यकर्ता और परिवार के लोग चुनाव की तैयारियां करेंगे और कर रहे हैं। हमने जो एक साल में लगभग वचन दिए थे 75-76% वचन हमने पूर्ण किए हैं। मैं मानता हूँ वो चाहे किसानों की बात हो, चाहे आम जन की सहूलियतों की बात हो, चाहे युवाओं के लिए आगे के भविष्य की बात हो या समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की बात हो, कमलनाथ जी ने पूरी ताकत से पूरा समर्पण के साथ सेवा की है। आगर और मालवा का चुनाव, क्योंकि संगठन पूरी मुस्तैदी से हम अपनी बातों को लेके जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि विपक्ष में है तो वो भी उनका भी दायित्व निभा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर अल्टीमेटली विजय बड़े बहुमत से कांग्रेस को। वहीं जीतू पटवारी और मुख्यमंत्री के आगर दौरे के बाद इस मामले में विपक्ष की ओर से नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति चुनाव से शुरू होती है और चुनाव पर ही खत्म होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के आगर दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि जब उन्हें ओलावृष्टि से जूझ रहे किसानों के खेतों पर जाना था, तब वे चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए लाई गई जय किसान ऋण माफी योजना भी अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। आज 48 घंटे हो गए ग्वालियर चंबल को, पानी से फसल और हवा से फसल लौट गई, ओले से फसल कट गई तलवार से जैसे कटती है। इस समय तक कोई एक मंत्री मुख्यमंत्री किसान को ढाढ़स बंधाने नहीं गया। किसान पीड़ा से कराह रहा है। अचंभा ये है कि मध्य प्रदेश के सुल्तान को फुर्सत नहीं है पांचवें फ्लोर से नीचे उतरने की। किसान पीड़ित है, शोषित है, कर्जा माफी का धोखा उस वादे से व्यथित है, लेकिन भैया आप नहीं जा पा रहे। पटवारी आरआई को तो भेज दो, गिरदावल को तो भेज दो, तहसीलदार को तो भेज दो। सबसे ज्यादा इस वक्त मध्य प्रदेश का किसान अपने आप को ठवा और छला हुआ महसूस कर रहा है। इनकी प्राथमिकताएं चुनाव से ही तय होती हैं, चुनाव पर ही समाप्त हो जाती हैं, और चुनाव में झूठे शिलान्यास और झूठी घोषणाएं। आज जरूरत आगर जाने की नहीं थी, आज जरूरत ओले पड़े से प्रभावित, अतिवृष्टि से प्रभावित उन खेतों में जाने की थी, जहाँ किसान का सब्र का बांध न टूट जाए, किसान आत्महत्या को मजबूर न हो जाए, वहाँ ढाढ़स बंधाने की जरूरत थी। लेकिन इन्हें किसान से मतलब ही नहीं। झूठी बातें किसानों के बीच करना, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे आज तक नहीं किया, नौजवान को रोजगार देंगे आज तक नहीं किया। एक बार धोखे से सरकार बन गई है, अब आगर जाए चाहे जोरा, किसान समझ गया इस कांग्रेस को और इन कमलनाथ जी को। अब इनके छलावे में किसान मध्य प्रदेश में नहीं आने वाला, चाहे जितने शिलान्यास कर लें चाहे जितनी घोषणा कर लें। विधानसभा का सत्र सन्निकट है, सत्र के संबंध में व्यक्तिशय चर्चा, प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि, किसान को छला जाना ठगा जाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन विषयों पर व्यक्तिशय विधायक सम्मानियों से चर्चा, राज्यसभा का चुनाव सन्निकट है उसको लेकर भी माननीय विधायकों से चर्चा के संबंध में आज की बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सभी रहने वाले हैं।